हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 6 दिसंबर 2020 को, जो उसमें नॉन टेक का पोर्शन था, 40 क्वेश्चन जो है आपके उसमें राजस्थान जीके से पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा रासो राजपूत की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? ये सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप थे, लेकिन हम इन्हें वन लाइनर फॉर्म में कवर करेंगे। आपका राइट आंसर रहेगा पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वो दुर्ग क्या कहलाता है? तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वो दुर्ग कहलाता है पारिख दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 3 है, जयानक ने कौन सी कृति की रचना की है? तो जयानक ने जो है पृथ्वीराज विजय कृति की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, खानवा का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा दुर्ग चीला का टीला कहलाया? तो ये जो जयगढ़ का दुर्ग है ये चीला का टीला कहलाया। क्वेश्चन नंबर 6 है, पन्ना दहाई ने किसके जीवन को बचाया था? वो था, तो पन्ना दहाई ने जीवन को बचाया था राणा उदय सिंह के। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियाँ पाई जाती हैं? आपको जो ऑप्शंस दे रखे थे उनमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है कि राजस्थान के जो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य है प्रतापगढ़ में, वहाँ पर उड़न गिलहरियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान वन की एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो राजस्थान वन की एवं जैव विविधता परियोजना जो है ये प्रायोजित है जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होते हैं? तो राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जो है वो क्रियान्वित होते हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा गया था। आपके ऑप्शंस में जो जिले थे वो सारे शामिल थे, लेकिन पूछा है इसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो आपका सही जवाब था उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगला और शाहगढ़ निम्न में से किस खनिज की खनन के क्षेत्र हैं? मंगला और शाहगढ़ जो हैं ये तेल और गैस खनिज के खनन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए? तो राम स्नेही संप्रदाय के जो संस्थापक थे संत रामचरण, ये पैदा हुए थे सोलंकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? तो बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में हुई कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जालौर शासक कान्हड़ देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ? जालौर के जो शासक थे कान्हड़ देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच जो है पहला संघर्ष हुआ था 1299 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
धूलकूट कहाँ स्थित है? तो धूलकूट जो है वो स्थित है आहाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? आपको ऑप्शंस दिए गए थे, तो उनमें से जो आपका जडूला संस्कार है वो जन्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? तो राजस्थान की जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है 826 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है? तो जो कागदी पिकअप है वो जल ग्रहण करता है माही बजाज सागर बांध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस घास क्या है? तो कांग्रेस घास जो है वो एक खरपतवार है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्न श्रेणियों में किससे संबंधित हैं? तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा प्रशासनिक वन क्षेत्र हैं वो अगर क्लास में बांटा जाए तो वो हैं संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड में। अगला क्वेश्चन है, किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाज़ा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? आपका राइट आंसर रहेगा लोहागढ़। किस लोक विवाद में महारथ होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इन्हें सम्मानित किया गया कामायाचा में महारथ हासिल होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो धौलागढ़ देवी का जो मंदिर है वो स्थित है अलवर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्गगढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है? तो अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है उसे बीटली के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें पूछा गया था कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको चार ऑप्शन दिए थे वो सारे सुमेलित थे, लेकिन जो आपका टंगस्टन था इसे जो है बताया गया था पलाना और मंगला से, और ये आपका गलत जवाब था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर सही था। टंगस्टन के लिए जो है नागौर और डेगाना संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, भीम सागर स्थित है? तो भीम सागर कहाँ स्थित है? ये स्थित है झालावाड़ में। राजस्थान के किस जिले में बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? तो राजस्थान का जो जिला है बीकानेर उसमें बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राजस्थान राज्य परिवहन पथ निगम की स्थापना हुई 1964 में। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य करौली जिले में स्थित है? तो कैला देवी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो करौली जिले में स्थित है। कौन सी भेड़ की नस्ल चकरी के नाम से जानी जाती है? तो भेड़ की जो नस्ल है मगरा वो जो है चकरी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की है? आपको चार ऑप्शन दिए थे, बाकी सब में तो है राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों से सहभागिता की थी, लेकिन जो आपकी बनास विद्युत परियोजना है ये जो है ये अकेले ऑपरेट करते हैं। सोम, कमला और अंबा सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित हैं? तो सोम, कमला और अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती हैं? आपको जितने भी ऑप्शन दिए थे उनमें जो आपकी कोलायत झील है
वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ यानी अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? तो अजमेर के किशनगढ़ में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया अक्टूबर 2017 में। अगला क्वेश्चन है, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो ये जो शीतला माता मेला लगता है, ये बैलगाड़ी मेले के नाम से भी प्रसिद्ध है। झालरापाटन के सूर्य मंदिर की विशेषता क्या है? तो झालरापाटन का जो सूर्य मंदिर है, उसकी विशेषता है सप्तरथ यानी सात रथ। घड़ियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? तो घड़ियाला के जो प्राकृत अभिलेख हैं, वो संबंधित हैं प्रतिहार शासक ककुका से। कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं शहर के निर्माण योजना की जानकारी देता है? बुद्धि विलास। लास्ट क्वेश्चन है, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जोहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो ये स्रोत है पुर के ताम्रपत्र। तो आज के इस वीडियो में हमने राजस्थान जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 6 दिसंबर 2020 को, उसमें आपके राजस्थान जीके से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, आज के इस वीडियो में हमने सारे कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।